पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बॉल्स दिखाई पकड़ के, ये किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है या जो रिजवान साहब खेल रहे हैं, इट्स अबाउट द एंटायर इंटेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हर सिलेक्शन कमेटी आकर दम ही नहीं था कि तब्दीली कर रही थी। मैं तो सबसे पुराने आदमी को पकड़ूंगा, आकिब भाई आपको सलूट है, आपने घर भेजा, आपने भगाया, आपने डोमेस्टिक के लड़के को अंदर किया। आकिब भाई आपका विजन है जी, इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में, जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए, कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास स्टे होम, ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने, बैठे रहो नंबर चार को रगड़ते रहो, मतलब घिसते रहो बैठ के, अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देखिए यार कामरान गुलाम ठीक है, तीन साल के बाद उससे सोमवार है, ये सौ इसका तीन साल पहले आना चाहिए था यार। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ये घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है, आज खड़ा होकर मैंने सुना इसको यार, इसको ये इसकी समझ में नहीं आ रहा, कमोडिटी सेलेबल, अब घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2% का बल्लेबाज चाहिए, तुम्हारी कमोडिटीज ही खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा मोहसिन नकवी को कि भैया ये नासिर हुसैन माइकल एथरटन तो चलो हम पे एक अजाब बन के उतरे हैं यहाँ पर, प्लीज रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोर्ट ऑफ कंडक्ट के, भैया आप है कौन यार, आपका ताल्लुक क्या है, आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर बस, आप एनालिस्ट नहीं है कि आप खड़े होके बताएं लोगों का कि वो बिक रहा है वो हट रहा है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। अफसोस हुआ यार आज सुन के, जिस तरह से मतलब जिस तरह रमीज ने जो बातें की है, आई मीन रमीज ने आज अपने आप को एक्सपोज कर दिया बेसिकली, ठीक है ना, उसने बता दिया कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट आज इस हाल में है, इसलिए क्योंकि आप इतने ऑब्सेस्ड हैं एक प्लेयर के साथ कि आप समझते हैं कि जी उसके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट चल नहीं सकती, जो कि सरासर एक गलत चीज़ है, सोच ही गलत है, इसलिए क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी को ये पता है कि आप कभी भी मतलब जो है ना स्पोर्ट्स से जीत नहीं सकते, इन द सेंस कि कभी भी कोई भी एथलीट स्पोर्ट्स से बड़ा नहीं हो सकता यार, वो बहुत बड़ा एथलीट बन जाए लेकिन स्पोर्ट जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, टीम हमेशा बड़ी रहती है टीम स्पोर्ट्स में। लेकिन रमीज राजा साहब हालांकि पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, वो शायद ये भूल गए, जिस तरह से माइक एथरटन नासिर हुसैन ने बातें की हैं, मतलब जब बाबर को ड्रॉप किया गया मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्टर ने इतनी इज्जत दी कि उन्होंने रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, हालांकि मैं तो रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल भी नहीं करता क्योंकि अगर ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप हुआ है, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बातें की नासिर हुसैन वगैरह ने कि जी अब पता चलेगा पाकिस्तान को जब खेलेंगे तो फिर इनको आइडिया हो जाएगा कि बाबर आजम नहीं होगा, और ये ऐसा लगता है जैसे यार पाकिस्तान क्रिकेट चली बाबर आजम पे रही थी और आगे भी चलती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन आज वो सारे ख्वाब चकनाचूर भाई, बाबर आजम जो जो इनकी ये जो ऑब्सेस्ड आर्मी है ना, आर्मी क्या जो इनका फैन क्लब है बाबर का, आज उनको सही जवाब मिला है, बिल्कुल सही जवाब मिला। और ये जो रमीज ने बातें आज की है, इसने आपको रमीज राजा ने एक्सपोज किया है कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट में इश्यूज हैं, क्योंकि डोंट फॉरगेट दैट रमीज हैड बीन चेयरमैन एंड ही वाज द वन व्हेन ही वाज चेयरमैन हु गेव अनब्रिडल्ड पावर टू बाबर आजम एंड ही मेड अ मेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है आप फाइनल खेले T20 वर्ल्ड कप का, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं था, लेकिन ओवरऑल आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर, आपका क्रिकेट टीम एनवायरमेंट सब खराब हो गई थी, जिस टीम की बातें ये करते थे कि यूनाइटेड टीम और ये टीम और वो टीम, यानी कि वो इतनी यूनाइटेड थी कि एक कप्तानी के ऊपर मामले पर वो टीम बिगड़ के रह गई। आज रमीज राजा फरमाते हैं कि जी वो बाबर आजम के ऊपर डिसीजन छोड़ देना चाहिए था कि वो मतलब खेलना चाहता है नहीं खेलना चाहता या वो रेस्ट करना चाहता है, छोड़ देना चाहिए था डिसीजन रमीज राजा साहब। मतलब आपके ख्याल से आपको लगता है कि आप किस मतलब परियों की दुनिया में रहते हो भाई, आपको लगता है कि ये बाबर आजम जो है खुद से हट जाता और खुद से उसमें इतना कैरेक्टर था या है, या कि वो खुद कहता है कि नहीं यार मैं फॉर्म में नहीं हूं, मैं टीम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, क्या आप समझते हैं ऐसा होता? सुबह से मैच शुरू होने से पहले ही बात कर रहे थे जी उसको रेस्ट गलत कराया, स्पॉन्सर नहीं आएंगे, तो कामरान गुलाम ने उन्हें बोला मैं हूं ना। उसके बाद अभी तो वनडे सीरीज भी है, वनडे में भी बड़ा अच्छा खेलता है, अभी जो मजाक कप हुआ था उसमें 2 सेंचुरियां करी हुई हैं, तो अब दरवाजे यंगस्टर के लिए और खुलेंगे, जैसे हुरेरा बैठा हुआ है और जो तैयब ताहिर है जो फास्ट बॉलर हैं उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, जो आकिब जावेद एंड कंपनी ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया है ना उससे बहुत बेहतरी आएगी। और नमस्कार, भारतीय पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया गदर काट के रखी हुई है, और इसका रीजन यह है कि कामरान गुलाम ने सेंचुरी किया है, अपने डेब्यू टेस्ट में 111 रनों की पारी खेली और एक मेच्योर पारी थी, जब पाकिस्तान दबाव में था तब वो आया था और बाबर आजम का रिप्लेसमेंट था, तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितना दबाव होगा।
जब इनिंग शुरू हुआ था तो कमेंट्री रूम में जो इंग्लिश जो कमेंटेटर थे और रमीज राजा जो है वो इस पे टिप्पणी कर रहा था और ये कह रहा था कि बाबर आजम जो है वो अगर पाकिस्तान टीम में नहीं खेलता है तो जो राइट्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, वो पाकिस्तान टीम को नहीं मिलेगी, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैसा नहीं लगाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। इसके बाद ये प्लेयर आता है और एक इंटेंट के साथ खेलता है, विकेट गिरा हुआ है दो जल्दी अर्ली विकेट गिरने के बाद, और सेंचुरी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जो प्लेयर है वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी उसने 16 सेंचुरी करके रखा है। तो ये काफ़ी टाइम से प्रदर्शन कर रहा था डोमेस्टिक में, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि जो बाबर आजम और उसका काटल था वो किसी नए प्लेयर को अपनी टीम में आने नहीं दे रहा था। जब उसका रिप्लेसमेंट हुआ, उसको चेंज किया गया, टीम से बाहर किया गया, तो आप देखिए कि दो प्लेयर आए, दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सेंचुरी जो है कमरान गुलाम का, वो सबसे ज़्यादा हंट बाबर आजम को करेगा क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट था, सेंचुरी मारा, बाबर आजम का जो प्रदर्शन था वो भी बहुत घटिया था, 19 इनिंग हो गया था और एक भी हाफ सेंचुरी तक नहीं वो कर पाया था, और उसका रिप्लेसमेंट आता है पहले डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी करता है, वो भी इस स्थिति में जब पाकिस्तान का 19 रनों पर 2 विकेट गिर गया था और उस प्लेयर के ऊपर बहुत दबाव था। दोस्तों देखने वाली चीज़ ये है कि अब बाबर आजम का क्या होगा, क्योंकि जो उसके विपक्ष में अपोजिशन में है वो उनको एक पॉइंट मिल गया और अब बाबर आजम की जो वापसी है वो भी काफ़ी मुश्किल होगी। दोस्तों आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, धन्यवाद। तो लोग खून के आंसू रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये वो अली स्माइल है जो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि कामरान गुलाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था, ये पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक सेल्फ बिलीव चाहिए। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इंडिविजुअल। कहने वाले ये कह रहे थे पिछले 5 दिन पहले कि बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट है अगर आपको कहीं दिखता है, मुझे तो नहीं लगता। 5 दिन के बाद उन्हीं को कमेंट्री के उस माइक के ऊपर तारीफों के पुल बांध रहे हैं कामरान गुलाम के, और ये सवाल करते हुए लोगों को सुनाई दे रहा है कि वही स्पेसिफिक लोग ये पूछ रहे हैं कि कामरान गुलाम अभी तक क्यों नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। तो शायद वही लोग भूल गए कि जब वो चेयरमैन थे 16 दिसंबर 2022 को एक स्पॉट खाली हुआ था जर अली की शक्ल में, उस स्पॉट के ऊपर आपको कामरान गुलाम को ले आना चाहिए था, तो शायद आज आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि जो हमने जनवरी 2022 में हारना शुरू किया आज से हम वहीं तक हार रहे हैं और हम कभी पलट के हमने पीछे देखा ही नहीं, हम जीत के करीब नहीं आए, जहां करीब आया वहां ब्लंडर मार दिए, मैक्सिमम ड्रॉ कर लिए और उसी के साथ हम सेटिस्फाइड थे, हम मीडियोक्रेटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने अपने स्टैंडर्ड्स ही मीडियोकर बना दिए थे, रिजिलियंस खत्म होती जा रही थी। आप पाकिस्तान, आपने मुझे 10 दफा सुना होगा, पाकिस्तान हारे जीते फर्क जरूर हो पड़ता है इससे, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जो आपके इमोशंस को जाके हर्ट करता है जब आप बगैर किसी फाइट के हारे, आपका कोई इंडिविजुअल फाइट ना दिखाए। आज 19 पे सुबह 2 कामरान गुलाम वॉकिंग ऑन द डेब्यू विद ऑल दैट नॉइज विद ऑल दैट प्रेशर, आप अगर एक विजुलाइज करें सिचुएशन, एक बंदा कॉरिडोर से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ कोई फॉर्मर क्रिकेटर है, यहाँ कोई जर्नलिस्ट है, यहाँ कोई फैन क्लब है, एंड एवरीबॉडी इज शाउटिंग ऑन हिज फेस, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा, तू कौन सा डॉन ब्रैडमैन है, तू कैसे रिप्लेस करेगा 4 नंबर के बल्लेबाज को, 4 नंबर के वर्ल्ड क्लास बाबर आजम को तू रिप्लेस करेगा, तेरे अंदर इतने रन मौजूद हैं, तूने जो डोमेस्टिक में किया दे आर नॉट गुड इनफ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, लोगों ने की हैं, मैं रेलिवेंट लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं रेलिवेंट लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट फर्टर्निटी के लोग हैं, कि ये स्टोरी है कामरान गुलाम की, जहां से वो रिजेक्ट हुआ, वो टीम में आया, वो इग्नोर हुआ और आज जब उसको फाइनली मौका मिला उस सिचुएशन पे कि जहां सबसे बड़ा चैलेंज था। देखिए अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम की जाके उनकी जगह पे खेलने का कामरान गुलाम पे कोई प्रेशर नहीं था, कामरान गुलाम के ऊपर 100% प्रेशर था, आज कोई अब सेंचुरी बनने के बाद खिसियानी बिल्ली बन के, वो ये है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खंबे अगर नोचने वाली जो खिसियानियां बिल्लियां हैं अगर वो आप ये क्लेम करना शुरू कर दे, नहीं 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 हम तो बड़ी ताली बजाएंगे, बड़े खुश हैं, तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलें, क्योंकि 24 घंटे पहले तक मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं चाह रहा था इन सोच के लोगों से कि जी कामरान गुलाम सक्सीड कर जाए।